बदहवास। बीच पर दौड़ता हुआ दीपम ऐसा लग रहा था जैसे दौड़ते दौड़ते ही अपनी जिंदगी को हार जाना चाहता था। क्यों, ये शायद ठीक तरह वो खुद भी नहीं जानता था। हांफता हुआ और लगभग अटकती सांसों को ढूंढता हुआ एक बोझ की तरह वो निधि के बिल्कुल पास से गुजरा। एक बार नहीं, कई बार। नीति जो अपने कानों में एयरपॉड्स लगाए झूम रही थी, अचानक ही दीपम को अपने बगल से गुजरता हुआ देख उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। उसने दीपम को अनदेखा करते हुए देखने की कोशिश भी की, लेकिन सिर्फ उसकी सांसों की बौखलाई शोर को ही सुन पाई। फिर कुछ सोचते हुए वो अपनी धुन में खो गई। कुछ दूर तक दीपम टूटती सांसों के जरिए खुद को संभालते हुए दौड़ता रहा। पता नहीं वहां वैसे ही कब तक पड़ा रहता अगर समंदर की लहरें उसके ऊपर से होकर ना गुजरती। आती जाती लहरों को गौर से देखता रहा। ऐसा लग रहा था शायद मौत से ही जिंदगी में वो लौट कर आया था। आसपास कोई नहीं था। उठ के पीछे मुड़ा और धीमे कदमों से चल पड़ा। नीति छत पर थी, आसमान को ताक रही थी। एक फ्लाइट गुजरी, वो शांत रही, बस आसमान को घूरती रही। फिर एक आवाज सुनाई पड़ी, थोड़ी तीखी आवाज, अधिकार वाली, डोमिनेट करने वाली। लेकिन वो वहीं खड़ी रही। कुछ पल बाद ही कोई आया और कहने लगा, क्या है ये? मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैं घर में होता हूँ तो तुम ज़्यादातर टाइम अपना टेरेस पर, बाहर कॉफ़ी हाउस में, गार्डन में या फिर बीच पर स्पेंड करती हो। क्या मेरा साथ अच्छा नहीं लगता तुम्हें? नीति मुड़कर उसे देखने लगी, जैसे वो स्कैन कर रही हो। आंखों में एक साथ कई चुपचाप सवाल थे जो शोर मचा रहे थे। ये औरिंदम नहीं था, उसके अरवी को वापस आने में अभी 3 महीने और लगने वाले थे। ये विश्वा है, उसका बॉयफ्रेंड, पिछले 1 साल से साथ में ही रह रहा है। नीति ने कहा, तुम्हें ने तो कहा था कि तुम्हें अपना स्पेस चाहिए, सो मैं दे रही हूँ जितना भी पॉसिबल है। ठीक है, नीचे आ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। वो चला गया पर नीति वहीं खड़ी रही, जैसे पहले खड़ी थी ठीक वैसे ही, और आसमान ताकने लगी। तभी एक फ्लाइट और गुजरी जो नीति के चेहरे पर एक मुस्कान छोड़ गई।